देखो दीक्षित जी, बिटिया का ब्याह तय हो गया। जी हाँ, रोहिणी जी घर पे नहीं है क्या? होम मिनिस्टर का दौरा होने वाला है ना, उसी के सिलसिले में जरा डीएम के ऑफिस तक गई हैं। अरे वीर सिंह सुखिया, जरा जोर के हाथ मार के चमकाओ गाड़ी। संजय बाबू की गाड़ी एकदम साफ सुथरी दिखनी चाहिए। अगर गाड़ी चमकती हुई नजर ना आई तो चार गालियां मुझे भी सुननी पड़ेंगी और 10 जूते तुम्हें भी खाने पड़ेंगे। मैडम दीक्षित जी आए। अरे दीक्षित जी नमस्कार। नमस्कार। कहिए कैसे आना हुआ? बस यूं ही यहाँ से गुजर रहा था, सोचा आपके दर्शन करता चलूं। बहुत बहुत बधाई हो, सुना है बेटी का ब्याह हो रहा है। जी हाँ, सोचा है घर के 2-4 लोगों के बीच ही कन्यादान कर दूंगा। अच्छा चलो प्रणाम। चाचा जी ने कहा है विवाह में जरूर आइएगा। अच्छा जी नमस्ते। नमस्ते। जय गंगा मैया। चलिए हो गया गंगा स्नान। ये तो कौवा स्नान हुआ, गंगा स्नान ऐसा नहीं होता। तो फिर कैसे होता है? आप आइए गंगा जल में। नहीं नहीं मैं फिसल जाऊंगी। अरे आइए 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 आइए। पानी बहुत ठंडा है। हाँ वो तो है। बस 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 थैंक यू। पहली डुबकी आपके इष्ट देवता के नाम पर। अच्छा जी। दूसरी डुबकी आपके पूर्वजों के नाम पर। हाँ। तीसरी डुबकी आपके माता पिता और भाई बहन के नाम पर। चौथी डुबकी क्या हुआ? कुछ नहीं। क्या हुआ निशा जी? बस अपनी बहन की याद आ गई। क्यों आप एक दूसरे से बहुत प्यार करती हैं? जी हाँ, मैं उसे बहुत प्रेम करती हूँ, इसलिए वो हमेशा मेरे साथ रहती है। खैर चलिए ना, अब चलते हैं, बहुत ठंडी लग रही है। निशा जी। हाँ जी। चलिए अब आपको गंगा स्नान का पूर्ण फल प्राप्त होगा। आपको एक बात बताऊं, इन कपड़ों में आप बहुत सेक्सी लग रहे हैं। जी, चलिए थोड़ा सा भोजन और पूजन कर लें। हाँ। ये कितनी खूबसूरत जगह है, यहाँ जल शुद्ध वायु शुद्ध। वहाँ मुंबई में तो मुझे सिर्फ ताजी हवा खाने के लिए हर रोज शाम को घर से 5 किलोमीटर दूर जुहू बीच में जाना पड़ता है। और सर मैंने सुना है इन पहाड़ों के पार भी बहुत बड़े बड़े सिद्ध मंदिर हैं। है तो। आप मुझे कब ले जा रहे हैं? जब आप कहें। कल सुबह? अब कहाँ चलना है? अब हाँ? नदी के उस पार। मैं जरा जूते उतार लूँ, नदी को पार जो करना पड़ेगा। चलिए। हाँ। ये तो बर्फ जैसा पानी है। तुम शहर के लोगों को खामखा चिंता हो जाती है। अरे, ओ, कोई और रास्ता नहीं है क्या? रुको। चले? हाँ चलो। क्या हुआ? मेरा जूता गया। हाँ? हो हाँ। आप कहाँ जा रहे हैं? अरे कहाँ जा रहे हैं? जाने दीजिए। संभल के जाने दीजिए। आपको जूता। थैंक यू वेरी मच। संजय भैया क्या हाल है तुम लोगों का? सब ठीक है। जुनेजा जी, जी मंत्री जी के रहने का इंतजाम सर्किट हाउस में कर दीजिए। अच्छा। ए माँ कैसी हो तुम? संजय जब एक बार मैंने तुझे दिल्ली भेज दिया तो किससे पूछकर यहाँ वापस लौट आया? ओ कम ऑन माँ, अपने बेटे का स्वागत किस तरह किया जाता है? हा? बेटा लायक हो तो उसके आने पर माँ उसकी आरती उतारती है, पर तेरे कारनामों की वजह से कोई भी भला आदमी मुझसे बात करने से भी डरता है। अरे माँ ये ऑपोजिशन वाले तुम्हारी राजनीतिक छवि खराब करने के लिए मेरा कैरेक्टर असैसिनेशन करते हैं और उनके बहकावे में आकर तुम भी मुझे गुनहगार समझती? गुनहगार समझती नहीं हूँ, तुम गुनहगार हो। शास्त्री जी के बेटे पर अटेम्प्ट टू मर्डर हुआ, क्या उसमें तुम्हारा हाथ नहीं था? शर्मा कांड, संगीता चोपड़ा रेप केस। इनफ माँ, किसी भी केस का प्रूफ नहीं मिला है, कानून ने मुझे बाइज्जत रिहा कर दिया है। गवाहों को फोड़कर अगर तुम बाइज्जत रिहा हो गए
तो इसका अर्थ ये नहीं कि मेरी नजरों में तुम्हारी इज्जत बढ़ गई है। तुम्हारे कारनामों की वजह से मुझे भले घर के लोगों ने अपने घर के शादी ब्याह में निमंत्रण देना भी बंद कर दिया है। किसने तुम्हें न्योता नहीं दिया माँ? दीक्षित जी के साथ कितने पुराने और गहरे संबंध हैं हमारे, उन्होंने अपनी बेटी की शादी में मुझे बुलाया तक नहीं। कितने अफसोस की बात है मेरे लिए और कितने शर्म की बात है तुम्हारे लिए। कुछ खाने के लिए लाओ। हाँ चाची मैं अभी आई। मैं तो कहती हूँ बहुत अच्छी लड़की है ये, इधर शिल्पा को विदा कर दो और उधर अर्जुन का ब्याह रचा दो। अरे ऐसे कैसे कर दे हम शादी, अच्छी लड़की है तो क्या हुआ, पहले ये तो पता चले दहेज में क्या लाएगी। हाँ अर्जुन, सारे मेहमान तुम्हें बाहर ढूंढ रहे हैं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लोग शिल्पा के जेवर देखने आएंगे ना। हाँ मैं सजा रहा हूँ। आज शिल्पा की शादी हो जाएगी, उसके बाद तुम्हारी बारी आएगी ना। हाँ घर वालों को तो यही विचार है। अपनी शादी पे मुझे जरूर बुलाना, मैं दुल्हन को अपने हाथों से सजाऊंगी। क्या कहा तुमने, बहुत खूबसूरत लगेगी तुम्हारी दुल्हन। निशा आज तो तुमने ये बात कह दी, मगर दोबारा भविष्य में भी ऐसी बात सपने में मत सोचना। क्यों, तुम सारी जिंदगी कुंवारे रहोगे क्या? मैं सात फेरे सिर्फ तुम्हारे साथ लूंगा, संसार की कोई भी शक्ति तुम्हें मेरी पत्नी बनने से नहीं रोक सकती। मैं मृत्यु को गले लगा लूंगा, पर तुम्हारे बिना जीना मेरे लिए असंभव है। अरे मैं तो मजाक कर रही थी, तुम सीरियस हो गए? मजाक में किसी की जान नहीं ली जाती निशा। अर्जुन मेरे दिल में तुम्हारे लिए कितनी जगह है ये तो मैं ही जानती हूँ। आप लोगों का कार्यक्रम खत्म हो गया हो तो अर्जुन जी जाके बरातियों को खाना खिला दीजिए। जी। और सुन तेरे पिताजी ने दहेज में क्या क्या बनाया? ये तो चांदी है, सोना नहीं बनाया। महाराज रोटियां कहाँ हैं? बोला जरा रोटियां लाना भाई। अर्जुन हे शिवा। सॉरी यार आने में देरी हो गई, वो क्या है कि दिल्ली फ्लाइट लेट पहुंची ना। बड़ा आदमी बन गया है, हवाई जहाज से चलता है। मैं तेरी तरक्की से बहुत खुश हूँ। आराम से, शिल्पा बहन का तोहफा गिरा दिया ना। शिवा ये रिवॉल्वर छोड़ना यार, चल। शिवा तू मुंबई में कोई उल्टे सीधे काम तो नहीं करता? ये दुनिया उतनी सीधी नहीं है अर्जुन जितने तुम समझ रहे हो, और बाकी अपने अपने जीने के तरीके हैं बस। इसका मतलब है तुम्हारा तरीका गलत है। क्या सही है और क्या गलत है ये वक्त नहीं है बहस करने का। मां साहब बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो मां साहब। भाई माँ शिकायत कर रही थी कि आप लोगों ने हमें शादी का कार्ड तक नहीं भेजा, क्यों हमसे कोई भूल हो गई क्या? नहीं संजय बाबू, कार्ड तो भेजा था। आपका मतलब है मेरी माँ झूठ बोल रही है? हाँ शादी के दिन टोली की जगह अर्थियों को कहा थी तो तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे। हाथ जोड़ता शिवा आज कुछ नहीं करेगा। तुम लोग इससे डरते क्यों हो, इतना समझ में नहीं आता मुझे। ये बड़े घरों के हरामी लौंडे हैं, किसी दिन लपेट दिया ना किसी ने तो साथ पूछते इसकी भजन गाती पैदा होंगी, बता रहा हूँ। अर्जुन अर्जुन कौन है वो? संजय शर्मा। शिल्पा शादी होते ही मुझे भूल तो नहीं जाओगी? संजय शर्मा। Yes? आपने खुशी के मौके पर आकर काफी टेंशन पैदा कर दी, अब आप प्लीज यहाँ से चले जाइए। आप हैं कौन? आई एम निशा। तो आप हैं निशा जी। भाई बिल्लू ने आपके बारे में बहुत कुछ बताया। मैं भी आपके बारे में बहुत कुछ जानती हूँ, अब आप ओके, लेकिन हम लोग फिर मिलेंगे। डेफिनेटली। चलो बे निशा, क्यों तुम उस गुंडे के मुंह लग रही थी? फॉरगेट, चला गया ना। आप लोग बैठ जाइए प्लीज। अच्छा लग रहा है ना हमारे ऋषिकेश। वाव What a beautiful house. Beautiful architecture. Wow. Pranam. Lovely. Nisha ji.
वेलकम टू माई हाउस। तो ये शानदार घर आपका है मिस्टर संजय शर्मा? जी हाँ मैडम। आप जैसे कॉकरोच को तो किसी गंदी नाली में पैदा होना चाहिए था, कहाँ ऐसे आलीशान मकान में पैदा हो गए। कॉकरोच की मिसाल अच्छी दी आपने। जब पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी तो सिर्फ कॉकरोच ही जिंदा रहेंगे और नाजायज बच्चे पैदा करते रहेंगे। स्टूपिड। अरे आप खड़ी क्यों है, बैठिए ना, मैं नीचे आता हूँ। निशा यहाँ क्या कर रही हो? चलो। मैं वो, अरे मगर सुनो, बेवकूफ लड़की, जानती है संजय शर्मा का घर है? अब मुझे क्या पता कि ये उसी का घर है। हाँ, मिला भी तो संजय शर्मा का घर मिला। चलो मां साहब, मां साहब एक मिनट, आप इनकी साइकिल ले जाइए, मैं इनको अपनी गाड़ी में छोड़ दूंगा। चलिए मैडम, चलिए। अरे अरे चलिए ना, मेरा हाथ छोड़िए। हाथ छोड़ने के लिए थोड़ी पकड़ा है। चलिए संजय बाबू, आप क्यों जबरदस्ती कर रहे हैं, छोड़ दीजिए ना इनका हाथ। अच्छा, अबे ओ बिल्लू, अगर हमने इस कन्या का हाथ नहीं छोड़ा तो मां साहब को बहुत गुस्सा आ जाएगा और वो हमें धक्का दे देंगे। कन्या भैया मंत्री जी आ गए। देखिए देखिए मंत्री जी, ये संजय शर्मा मुझे जबरदस्ती अपने साथ उठा के ले जाना चाहता है। क्या बात कर रही हैं आप, संजय बाबू तो बहुत ही शरीफ इज्जत। प्लीज बी क्वाइट, उसने जबरदस्ती मेरा हाथ पकड़ा, उसे कुछ कहिए सर। तुम चिंता मत करो, कौन है वो लड़का? मंत्री जी वो मेरा बेटा है। संजय ये क्या तमाशा बना रखा है? अरे माँ, ये लड़की खुद चल कर यहाँ आई है, इसे मालूम था कि आज हमारे यहाँ होम मिनिस्टर साहब आने वाले हैं। मुझे तो लगता है माँ ये ऑपोजिशन वालों की चाल है आपको बदनाम करने के लिए, जिसमें खामखा ये लड़की मुझे भी इन्वॉल्व कर रही है। ये झूठ बोल रहा है सर, आप चाहे तो प्रोफेसर दीक्षित से पूछ लीजिए ये क्या कर रहा था और उनको भी इसने किस तरह मैनहैंडल किया। एक सेकंड मैडम, एक सेकंड। मां साहब यहां आइए जरा। नमस्ते, नमस्ते। हां मां साहब, सच बताइएगा, क्या मैंने इस लड़की के साथ कोई जोर जबरदस्ती की है या आपके साथ कोई हाथापाई की है? बोलिए। अरे बोलिए ना मां साहब। जी नहीं। देख लिया मां, मैं कह रहा था ना ये लड़की झूठ बोल रही। अरे ये सब पॉलिटिकल गेम्स हैं। चलिए अंदर चलिए, आइए मंत्री, आइए। निशा, निशा,